दोस्तों रिलायंस जियो का वो प्लान जिसकी चर्चा अभी तक सबसे ज्यादा हो रही थी कि सबसे सस्ता प्लान रिलायंस जियो ने यहां पर दे दिया है, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए। लेकिन रिलायंस जियो ने रातों रात उस प्लान को जो है यहां पर बंद कर दिया, यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए प्लान उपलब्ध कराया गया और एक ही दिन में इस प्लान को यहां पर बंद कर दिया गया। एक रुपए वाला प्लान यहां पर चेंज हो चुका है। क्या कुछ डिफरेंस अब आपको देखने को मिलेगा, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, सारी जो डिटेल है दोस्तों वो आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वीडियो बनाकर बताया था और मुझे काफी अच्छा लगा था कि यार ऐसा जो है यहाँ पर रिलायंस जियो ने किया है कि एक रुपए वाला प्लान दिया जो कि 30 दिनों की वैलिडिटी देता है, सारी इनकमिंग कॉल आपकी वहां पर होने वाली है और आपको 100 MB डेटा दिया जा रहा था। काफी चर्चा में ये प्लान हुआ। आज दैनिक भास्कर जो है जो हम पढ़ते हैं हमारे घर पे आता है तो उसमें भी ये न्यूज यहाँ पर छपी थी। और लेकिन अब सुबह सुबह ये प्लान यहाँ पर चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ये प्लान चेंज हो चुका है। अब एक रुपए में आपको 30 दिन की वैलिडिटी नहीं मिलेगी, ना ही आपको 100 MB डेटा मिलेगा। कुछ भी अब एक रुपए में आपको सिर्फ एक दिन की वैलिडिटी और 10 MB डेटा मिलेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो भाई ये कर दिया रिलायंस जियो ने रातों रात, सब कुछ जो है यहाँ पर बदल के रख दिया है। मतलब एक दिन के लिए प्लान उपलब्ध कराया है, तो इसका मतलब क्या था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये प्लान उपलब्ध कराया गया, क्या लोग जो है यहाँ इसके बारे में जो है यहाँ पर सोचेंगे और क्या रिलायंस जो है दिखाना चाहता था कि एक दिन के लिए जो प्लान उपलब्ध कराया गया वो क्यों उपलब्ध कराया गया, बाद में इस प्लान को जो है क्यों चेंज किया गया। या तो ये प्लान हटा ही दीजिए एक रुपए वाला, एक रुपए में 10 MB डेटा एक दिन के लिए क्या यूज करेंगे उसका ये बता दीजिए। उसमें किसी तरह की आउटगोइंग कॉल भी नहीं है, सिर्फ 10 MB डेटा है, इनकमिंग कॉल आप रिसीव कर सकते हैं। तो बिना किसी मतलब का प्लान अब रिलायंस जियो के द्वारा एक रुपए वाला उपलब्ध करा दिया गया है। तो मुझे तो ये प्लान बहुत ही बेकार लगा और रिलायंस जियो का ये यहाँ पर प्लान चेंज करना, वो भी रातों रात एक रुपए वाला, बहुत ही बेकार मुझे यहाँ पर लगा। आप लोग बताना कि आपको अब कैसा लगा कि रिलायंस जियो ने ऐसे प्लान चेंज किया। अभी तक हम शिकायत करते आ रहे थे कि वोडाफोन ऐसा प्लान देता है या एयरटेल ऐसा प्लान देता है, महंगे प्लान है, रिलायंस जियो ने या क्या कुछ करके दिखाया, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। आशा करता हूं आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।